हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एडुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव था जिसमें हम एडिटोरियल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो वीक में ये दो बार वीडियोस रहेंगे। और जो आज के हमारे कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर है। यूएस का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में वॉर हो जाती है तो यूएस जो है वो फाइनली ताइवान को डिफेंड करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल। एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग वेल्थ टैक्स, ठीक है। एक वेल्थ टैक्स करके आपने सुनी होगी। सो देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी वेल्थ टैक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेल्थ टैक्स। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर रिपोर्ट आई है, हर टाइम ये न्यूज़ में बना रहता है। एक आर्टिकल ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर मिल जाएगा आपको। उसके अलावा एक और टॉपिक आप देखोगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द विजन इंडिया 2047। ये चार टॉपिक्स हम इस एडिटोरियल के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया का क्या रोल रहेगा इसमें, और जीएस पेपर टू के इन सारे पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फर्स्टली ताइवान की लोकेशन देख लो। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज ऑल बिलोंग टू द चाइना, और साइड में देखोगे तो छोटा सा आइलैंड है दैट इज ताइवान। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो उनको बिलोंग करता है, बट जो ताइवान है दे डिक्लेयर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटस कहीं पे नहीं मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज यू विल नोटिस कि जो ताइवान है उसको इंडिपेंडेंट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों की मिलिट्री का अगर कंपैरिजन करें तो इंडीड जो चाइना की मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है इफ़ कंपेयर टू द ताइवान। दूसरी बात, यूएस अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि अगर उनसे पूछा जाता है अगर चाइना और ताइवान में वॉर होती है तो आप न्यूट्रल रोल प्ले करोगे या फिर डिफेंड करोगे ताइवान को। यूएस ने कहा यस वी आर गोइंग टू डिफेंड ताइवान। तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखती हुई मिलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये देखो, प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे इंडिया का भी रोल आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंसी है दोनों पे ही, चाइना पे भी है और दूसरी तरफ ताइवान पे भी है। ताइवान की बात करें तो हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं सेमी कंडक्टर चिप्स, ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, दैट्स व्हाई वी इंपोर्ट सेमी कंडक्टर्स फ्रॉम द ताइवान। वहीं पे चाइना की बात करें तो बहुत सारा रॉ मटेरियल के अलावा APIs जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हम बल्क में लेते हैं फ्रॉम द चाइना। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो दोनों पे ही देखने को मिलेगी, ऑन द चाइना एज वेल एज ताइवान, ठीक है। सो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनको देखना पड़ेगा कि ये जो वॉर है ये कभी हो ना, या फिर हो तो फिर कौन जीते, ताइवान ही जीते। बिकॉज जो चाइना है उनकी एक आदत है दैट इज़ टू क्रिएट मोनोपोली। ये चाहते हैं कि एक ही पावर एग्जिस्ट करे थ्रू आउट द वर्ल्ड और वो हो चाइना। तो अगर मोनोपोली हो जाती है तो इंडिया तो सारी जगह से फंस जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया में, उत्तराखंड के बॉर्डर वाले एरिया में, फिर आप देखोगे सिक्किम वाले एरिया में, चुंबी वैली एंड ऑल, वहाँ पे फंस जाएगा। चिकन नेक जिसको बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं, देन अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला रीजन, ये सारी के सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया कौन क्लेम करेगा, चाइना क्लेम करना शुरू कर देगा। सो इंडिया के तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना क्लेम करता है कि जो ताइवान है वो उन्हीं की टेरिटरी है, दैट्स वाई वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे बाय फोर्स हम इस एरिया को सीज कर सकें। देन यूएस इंक्रीज कर रहा है अपना जो रोल है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे अगर कोई भी वॉर होती है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। और इंडिया जो है वो फिजिकल वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज इन केस चाइना जीत जाता है देन वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ ट्रबल। चाहे वो जीते या फिर हारे, तो हारेगा तो उससे इन्फ्लुएंस उनका थोड़ा डिक्रीज करेगा, बट अगर जीत गया तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इन ऑल द डायमेंशंस। नॉर्थ वाले हिस्से में देख लो, अपना इंडियन ओशन वाला एरिया देख लो, सारी तरफ से हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि चाइना का एक चलता है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, तो इसमें हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो वाइटल है
इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एंड वैल्यूएबल पॉलिसी के लिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी भी ना हो, ये जो वॉर है चाइना और ताइवान के बीच में ये कभी ना हो. तो इंडिया को फॉर नाउ स्टेटस को मेंशन कर मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो न्यू दिल्ली ने तीन मेन रीजंस बताए हैं क्यों उनको अपना स्टेटस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. पहला तो बोलता है कि जो ताइवान है वो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, तो उनको इंडिपेंडेंस की डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंडिया और ताइवान जो हैं दे हैव एक्सपैंडेड ट्रेड सेवन फोल्ड सिंस 2001 से देखें आज तक तो 7 गुना ज़्यादा ट्रेड जो है वो दोनों के बीच में चल रहा है. और दे वर एक्सप्लोरिंग कि कैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी स्टार्ट कर दें, यानी कि ड्यूटी जो होगी वो इक्वल टू नेग्लिजिबल रहेगी. ठीक है, नेग्लिजिबल जो टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे, ट्रेड के टाइम पे वो नेग्लिजिबल रहेंगे. एक ताइवानीज फॉर्म है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने पार्टनरशिप करी थी टाटा ग्रुप टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट. तो इस पॉइंट पे हम जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था रिसेंटली टू सेंड इंडियन वर्कर्स टू ताइवान. ताइवान में इंडियन वर्कर्स को भेजा जाएगा क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो क्रिटिकल सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओवरसी भी रहती है और इनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नियर द ताइवान स्ट्रेट. उसके बाद सेकंड क्या रीज़न दिया कि जो चाइना का एग्रेशन है ताइवान के अगेंस्ट वो कैटास्ट्रॉफिक होगा और बहुत महंगा पड़ेगा इंडिया के लिए. इससे ग्लोबल ट्रेड क्रिपल कर जाएगा चाइना और ताइवान के साथ और इससे फर्दर एशिया और वेस्ट एशिया पूरा ही डिसरप्ट कर जाएगा. जो सप्लाई चेन्स हैं वो पूरी ही डिसरप्ट कर जाएंगी. एक रिसेंट ब्लूमबर्ग स्टडी के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन लगाया गया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया की 10% सॉरी इंडिया की नहीं ग्लोबल जीडीपी जो है वो 10% इम्पैक्ट होगी. इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी बिकॉज देन द यूएस इकॉनमी एंड जो भी वैल्यूएबल सेक्टर हैं इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मास्यूटिकल्स, तो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की कमी पड़ जाएगी. सो इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रेटली सफ़र करेगी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. एक जनरल वॉर देखने को मिलती है बिटवीन चाइना एंड यूएस जो कि स्प्रेड कर रही है बियॉन्ड ताइवान. इसकी वजह से मल्टीपल डायरेक्शंस में हमें डिस्ट्रप्शंस मिलेंगी. इससे जो इंडिया और चाइना के लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो और ज़्यादा हमें हाईलाइट होते हुए दिखेंगे. इट कुड वाइप आउट और टेक ऑफलाइन साइजेबल पोर्शन ऑफ चाइनीज अमेरिकन एंड अदर रीजनल कंट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑन विच वर्ल्ड डिपेंड्स. तो चाइना के ऊपर आपको पता है सारी ही कंट्रीज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है फॉर वन थिंग और द अदर थिंग और इसकी वजह से जो अनथिंकेबल न्यूक्लियर एस्कलेशन है वो भी इंक्रीज करता हुआ मिलेगा. कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान एक ऐसी चीज़ है जिससे इंडिया सिंपली कांट अफोर्ड स्पेशली एज इट सीक्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट. तीसरा रीज़न क्या दिया न्यू दिल्ली ने कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने आप में ही कैलामिटस है, डिज़ास्ट्रस है. इसके जो आउटकम होंगे वो फर्दर इंडिया के जो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल पोजीशन है उसको इम्पैक्ट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन विच साइड प्रिवेल किसकी तरफ जो है ये वॉर डायरेक्शन लेगी. लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे चाइना के रिलेटिव एडवांटेजेस हैं ऑफ कंसंट्रेटिंग फोर्स नियर ताइवान इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली सिनारियो टू एंड इन अ ताइवानीज चाइनीज विक्ट्री ओवर ताइवान एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग डिफीट ऑफ द यूएस एंड इट्स एलाइज. अगर बाई चांस यूएस की जो मिलिट्री है वो ताइवान को हेल्प करने टाइम पे नहीं पहुँचती है देन इट वुड बी प्रूव्ड कैटास्ट्रॉफिक. ठीक है, तो इससे इंडिया का भी एक फ़र्ज़ बनेगा कि इंडियन ओशन वाले एरिया में वो यूएस को मिलिट्री असिस्टेंस दे. तो जो इफ़ चाइना थ्रू द क्रूसिबल ऑफ बैटल देयर बाय डिस्प्लेसेस द यूएस एंड द रीजन परमानेंट मिलिट्री पावर इट वुड अंडरमाइन द रीजन्स एंटायर इन सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर. आपने देखा होगा जो यूएस है उसकी प्रेजेंस बहुत सारे वॉर्स में रहती है पर कई बार वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं. वैसी अगर सिचुएशन चाइना और ताइवान में आ जाती है तो यहाँ पे ताइवान के ऊपर जो है वो चीज़ें भारी पड़ सकती हैं एंड यू विल नोटिस चाइना जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंसी प्ले करेगा. तो ये तीन रीजंस न्यू दिल्ली ने दे रखे हैं. अब अमेरिकन सिक्योरिटी जो है वो गारंटी करती है कि अगर दिस वॉर हैपन दे आर गोइंग टू हेल्प ताइवान बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंडियन ओशन में
इंडिया जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहे. इट मे इवन फील एम्बोल्डन टू प्रेस इट्स क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश. बाई चांस अगर चाइना अपनी डोमिनेंस बना लेता है तो अगेन जो तवांग वाले तवांग वैली है, तवांग रीजन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे अगेन चाइना क्लेम करेगा ये उनका पोर्शन है. अब देखो इंडिया अमेरिका का अलाय तो नहीं है, फ्रेंड तो नहीं है, हमारे सिर्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. पर इंडिया जो है वो डिपेंड है कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए. जैसे आपने देखा होगा MQ-9B हेलीकॉप्टर्स भी हमने परचेज करे फ्रॉम द यूएस, तो कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो व्हाट देन कैन इंडिया डू टू हेल्प प्रिवेंट दिस कैलामिटी? तो इंडिया क्या कर सकता है इस कैलामिटी को रोकने के लिए? तो एक तो यहाँ पे हम सॉफ्ट पावर के ऊपर थोड़े से डिपेंड रह सकते हैं. सॉफ्ट पावर का मतलब है बातें, ठीक है, जो नेगोसिएशंस हैं वो सारी चीज़ें, कुछ मुद्दे खड़े कर देना इंटरनेशनल मीटिंग्स में, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. तो जो बीजिंग की स्ट्रेटेजी रहती है ताइवान के लिए, वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नेशनल पावर, फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवरेज, असाइड फ्रॉम द मिलिट्री कोअर्जन. मिलिट्री अपनी वहाँ पे क्लेम करना वो तो अलग बात है, पर वो अपनी नेशनल पावर का भी यूज़ करते हैं इंटरनेशनल लॉ से लेके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवरेज. इट वुड डाउटलेस प्रेफर टू परस्यू लेस कॉस्टली एंड डिसरप्टिव नॉन मिलिट्री वेज एज लॉन्ग एज दे रिमेन वायबल. इसके बाद जो मिलिट्री बैलेंस है क्रॉस द ताइवानी स्ट्रेट विल देयरफॉर बी द मोस्ट क्रिटिकल डेटरेंट. बट जो नॉन बेलिग्रेंट स्टेट्स हैं जैसे कि इंडिया, दे कैन बटरेस टेटरेंस बाई कन्विंसिंग बीजिंग दैट इट हैज़ नॉट एडिक्वेटली सेट द कंडीशंस. उसके अलावा इंडिया की 6 पॉलिसीज़ आ जाती हैं, ये ना सिर्फ फॉर द चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को लेके है, पर ये सभी के लिए है, ये ग्लोबली है, ठीक है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चाइना के लिए बोल दिया, फिर तो चाइना यहाँ पे रिटालिएशन पक्का करेगा, बट इट इज़ ग्लोबली. तो ये 6 पॉलिसीज़ क्या क्या हैं? एक है इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इंडिया को अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे. दूसरा, बिल्डिंग नैरेटिव अपोज टू एग्रेशन. इसका मतलब है जो बिल्डिंग नैरेटिव अपोज टू एग्रेशन, इसका मतलब है कि अगर ये वॉर्स होती हैं तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा पीस ग्लोबली डिस्टर्ब होता है. कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो इनके साथ कोलैबोरेशन बना के रखें. इकोनॉमिक डी रिस्किंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कैसे ना कैसे करके किसी और कंट्री से वो चीज़ें हमें एग्रीमेंट की फॉर्म में बना लेनी चाहिए, सो दैट जो हम ट्रेड करते हैं अलॉन्ग विद द चाइना उसमें हम कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर सकें. एक्टिव इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन टू सपोर्ट ताइवानीज पीपल, तो ताइवानीज पीपल के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखी जा सके और उनको हेल्प करी जा सके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट पावर कि इंडिया उनके साथ है. एंड मिलिट्री सपोर्ट टू US फोर्सेज इन इंडियन ओशन, इफ़ वॉर हैपन तो US फोर्सेज को इंडियन ओशन के पास में पूरी हेल्प मिलती रहे, ठीक है. ऑब्वियसली जो चाइना होगा वो इन 6 पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही देखने को मिलेगा, बट ये 6 पॉलिसीज़ ही कहीं ना कहीं इंडिया को एक एज देगी ग्लोबली. इन एक्टिंग दीज पॉलिसीज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लेंड इंडिया मोर लेवरेज इन इट्स इंटेंसिफाइंग स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन विद चाइना. इसके अलावा कोऑपरेशन होगी US के साथ तो उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो वहाँ पे एनहांस होता हुआ दिखेगा. इसके बाद इन 6 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके आप देखोगे एक वाइडर एजेंडा इंडियन इंटरनेशनल लीडरशिप में सेट करेगा, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जो ग्लोबल साउथ में लाई करती हैं. अदरवाइज इट वुड बी पैसिव और एट बेस्ट अनकोऑर्डिनेटेड इन डेटरिंग चाइनीज एग्रेशन मोर ब्रॉडली. ऐसी पॉलिसीज देयरफॉर आर नॉट अ फेवर टू ताइवान और US, बट इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट में रहेगा. डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दे मे इनवाइट चाइनीज रिटालिएशन, बट नो पॉलिसी इज कॉस्ट फ्री, कोई भी पॉलिसी कॉस्ट फ्री नहीं देखने को मिलती, तो ये चीज़ें फेस करने को मिलेंगी. अब आते हैं विजन इंडिया 2047. 2022 में नरेंद्र मोदी जी एक प्लेज लेते हैं फ्रॉम द रेड फोर्ट, तो वहाँ से वो क्या प्लेज लेते हैं ऑन 15th of August 2022 कि हम लेंगे पंचप्रण, ठीक है. पंचप्रण का मतलब है 5 प्लेजेस. ये 5 प्लेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले कि हमें अपनी नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाना है, ठीक है. दूसरी जो प्लेज आती है वो है कि ये जो सर्विट्यूड की भावना है, ब्रिटिशर्स के अंडर हम थे तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, तो जो भी कोलोनियल
चीज़ें हमें आज देखने को मिलती हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। तो थर्ड आता है आपका, तीसरा जो प्रण आता है कि हमारी जो लेगेसी रही है उसके ऊपर हमें प्राउड करना है। फोर्थ जो आता है उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ है हमारी यूनिटी में, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है अपने कल्चर में, पर फिर भी हमारे बीच में यूनिटी है। पांचवा प्रण रहता है कि ड्यूटीज़ क्या क्या हैं सिटीजन्स की, ये सिटीजन्स में पीएम और सीएम्स का भी मेंशन करा गया, ठीक है। ये पंच प्रण लिए थे। तो अभी क्या है, हमें पढ़ना है ये डेवलप्ड नेशन हम कैसे बन सकते हैं। पहले प्रण के ऊपर फोकस किया गया है। तो जो फर्स्ट प्लेज है दैट इज़ टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047, क्योंकि 2047 में हमें पूरे 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए हुए। तो अगस्त 15, 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करे थे 5 प्लेजेस जिनको बोला जाता है पंच प्रण। रेड फोर्ट से वो डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को हमें बनाना है सुपर पावर। तो जो फर्स्ट प्लेज थी वो थी कि कैसे हम इंडिया को डेवलप नेशन बनाए 2047 में। सेकंड हमने देख ली कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको रिमूव करना है पूरी तरह से। तीसरी प्लेज हमने देखी कि हमारी लेगेसी पे हमें प्राउड है। चौथी देखी कि हमारी जो इंडिया है डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक यूनिटी में रहता है। चौथी प्लेज के बाद पाँचवीं देखी सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर। इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद नीति आयोग तो ये प्रिपेयर करते हैं विजन एट 2047 रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने रोड मैप बताया है कि कैसे हम इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 2600 टू 18,000 डॉलर्स, ठीक है। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, किसी भी ज्योग्राफिक रीजन में या किसी भी नेशन के अंदर कोई पर्सन रह रहा है उसकी अर्निंग कितनी है सालाना, ठीक है। तो अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय पर्सन इन नेशन और ज्योग्राफिक रीजन इन गिवन ईयर, तो उसको बोल देते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसको पीसीआई को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो टोटल इनकम कितनी है उस एरिया के अंदर इन दैट एरिया, उसको डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इन दैट एरिया, ठीक है। तो एक तो इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन लेके जाना है और जो पर कैपिटा इनकम है वो आज चल रही है 2600 डॉलर के आसपास, इसको लेके जाना है अप टू 18,000 to 20,000 या फिर आप देखोगे 20,000 to 25,000, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम को इतना इंक्रीज करना है। अब डेवलप नेशन क्या होता है, इसका कोई एज सच आपको ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलेगा कि डेवलप नेशन क्या होता है, बट जो वर्ल्ड बैंक है वो डिवाइड करता है कंट्रीज़ को 4 कैटेगरीज़ के अंदर, जैसे लो इनकम कंट्रीज़, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़, हाई इनकम कंट्रीज़। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो आता है 2612 के आसपास, तो इसके हिसाब से हम लाए करते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अगर इंडिया का करंट स्टेटस देखें तो हम लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 2612 डॉलर, और डेवलप अगर हमें डिक्लेयर होना है तो इंडिया को अपना पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा 20,000 to 25,000 डॉलर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट शो करना पड़ेगा। पर एक डिबेट आ जाती है, जैसे एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है वो कहते हैं ये जो इंडिया को डेवलप नेशन बनाने की बात है 2047 में ये बिल्कुल नॉनसेंस है, कि ये प्रैग्मेटिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें भी कौन, यूथ। अभी जो इंडिया है वो यूथ स्टेज में है और यूथ के ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी लो, बहुत ही कम है हमारी यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो ये बोला गया अकॉर्डिंग टू रघुराम राजन। तो ये डिबेटेबल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट येस जो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में नहीं है, आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट हैं उनमें आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यूथ के ऊपर अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 2047 क्या, इससे 100 साल लग जाएंगे हमारी इंडिया को डेवलप नेशन बनाने में, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है वो इस टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन में कमी फील कर रहा है, ना स्किल्स मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो राजन का जो मेन एजेंडा था वो था कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
अब एक इंडस वैली रिपोर्ट आती है 2024 की ही, जिसमें मेजर चैलेंजेस हाईलाइट करे गए हैं, और तीन मेजर चैलेंजेस हाईलाइट करे गए हैं कि अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री डेवलप नेशन बनना चाहती है तो अभी इंडिया जो है वो तीन चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे पहले है इनएडिक्वेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये होता क्या है, कोई भी कंट्री कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपके रोड्स आ गए, ठीक है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल वो सारा आ जाएगा। जब आपका फिजिकल एसेट इम्प्रूव होता है, यू विल नोटिस कि आपके लॉजिस्टिक भी इम्प्रूव होते हैं। लॉजिस्टिक मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगर वाया रोड करने हैं तो रोड पूरी तरह से बनने चाहिए, और लॉजिस्टिक कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव होगा, रूरल टू अर्बन एरियाज एज वेल, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ क्रेडिट, आपको पता है हमारे NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स लोन देती है, कुछ जो होते हैं बीच में भगौड़े आ जाते हैं, भाग जाते हैं पैसा लेके, इवन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रिटर्न नहीं करते, बोलते हैं नेक्स्ट मंथ दे देंगे, थोड़ा सा भरोसा किया जाता है, नेक्स्ट मंथ के बाद वो भाग ही जाते हैं। तो लैक ऑफ क्रेडिट, इससे क्या होता है कि ट्रस्ट जो होता है बैंकिंग सेक्टर्स का, ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं वो डिक्रीज़ कर जाता है। दूसरा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट डेट। हमारा जो गवर्नमेंट का डेट है, लोन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी डरती हैं कि इनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, इंक्रीज्ड गवर्नमेंटल डेट। तो ये तीन जो चैलेंज है वो मेजरली हम फेस कर रहे हैं फॉर नाउ। तो पहला आता है इनएडिक्वेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारी कंट्री कितना पैसा इम्प्लीमेंट कर रही है ऑन द फिजिकल एसेट। तो जैसे इंडिया की जो इकॉनमी है वो कंजप्शन लेड है, खाने वाले ज़्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं, 60% जो है वो डिपेंडेंट है ऑन प्राइवेट कंजप्शन, ओनली 29% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है फ्रॉम द GFCF, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया के अंदर देखें अगर GFCF, यानी कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकल एसेट्स के ऊपर, तो वो 29% है। वहीं पे चाइना की देखें तो वो 43% है, ये कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, खर्चा तो होता है इनके ऊपर, पर इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। जब आप रोड्स बना देते हो तो थोड़ी बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये बोला गया कि जो इंडिया का ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कभी भी 35% से एक्सीड नहीं हुआ है अगर ऑन एन एवरेज देखें फ्रॉम 2001 टू 2023, जबकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है बियॉन्ड 40%। दूसरा चैलेंज हमने बोला लैक ऑफ क्रेडिट। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनको इन्वेस्टमेंट के लिए लेने पड़ते हैं लोन्स। और दूसरा आता है आपका MSME सेक्टर, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये 29% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये भी फेस कर रहे हैं क्रेडिट शॉर्टेज। इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रेडिट है प्राइवेट सेक्टर के लिए वो है सिर्फ 54%, दैट इज़ $1.6 trillion, जबकि चाइना का है 182%, दैट इज़ $32 trillion। मेन रीज़न क्या है क्रेडिट शॉर्टेज का, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA इन बैंकिंग सेक्टर, जिसकी वजह से जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिस्पाइट हमारे पास 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, मतलब जिनके ऊपर 1 बिलियन से ऊपर अमाउंट जनरेट हो जाता है, तो जो वेंचर फंडिंग है इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन कर रही है सिंस 2017, क्योंकि क्रेडिट शॉर्टेज देखने को मिलती है। तीसरा चैलेंज है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट डेट। हमारी जो GDP है उसका जो 84% है वो बिकॉज ऑफ डेट है, लोन लिया जो है ना उसी को हमने GDP के अंदर दिखाया हुआ है, और 84% वो गवर्नमेंट का डेट ही है, वाइल चाइना का देखने को मिलेगा 68%, कम नहीं है बट कंपैरेटिवली कम है इंडिया से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्निंग भी दी है इंडिया के गवर्नमेंट डेट को कि वो इंक्रीज़ कर जाएगा 100%, जो कि उनकी इकॉनमी को नेगेटिवली हिट करेगा। हाई गवर्नमेंट डेट है जिससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी लोन नहीं मिलेगा, तो उनको जो लोन चाहिए होगा वो भी नहीं मिल पाएगा, उनके लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इंडिया का लो इनकम टैक्स बेस जो है वो मेजर फैक्टर है हाई गवर्नमेंट डेट के पीछे,
जिसमें ओनली 1.5% पीपल जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू ओवरकम द चैलेंजेस। टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन इंडिया को कुछ चैलेंजेस एड्रेस करने पड़ेंगे, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको क्रेडिट चाहिए वो प्रोवाइड करना पड़ेगा विद प्रॉपर एग्रीमेंट, मॉर्टगेज रखवा लो ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको क्रेडिट गारंटी दी जाए। टैक्स बेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, बिकॉज इंडिया के अंदर आप देखोगे 4 to 6.5% ही ऐसे लोग हैं जो कि अपना टैक्स प्रॉपरली पे करते हैं, ठीक है। तो उस बोला गया है कि उस मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाए। इन्वेस्ट करो ह्यूमन कैपिटल के अंदर, जो हमारा यूथ है, और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोत्साहन करेगा। उसके बाद कॉन्क्लूजन क्या निकल के आया कि जो इंडिया की जर्नी है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 काफ़ी एम्बिशियस है, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जो इनएडिक्वेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, लैक ऑफ क्रेडिट और इंक्रीज्ड गवर्नमेंट डेट, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तभी इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल के अंदर एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स, जिससे हमारी जो गोल हैं 30 trillion इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम के साथ वो इंक्रीज़ कर सके। बिकॉज अगर करंटली देख रहे हैं तो वो 2612 है पर कैपिटा इनकम, सीधा 2047 में अगर जाएं तो वहाँ पे हमें बनाने हैं 18,000 से लेके $25,000 तक एटलीस्ट, ताकि हमें डेवलप्ड नेशन बोला जा सके, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वेल्थ इनइक्वालिटी एंड डिबेट ऑन वेल्थ टैक्स ग्लोबल परस्पेक्टिव विद द फोकस ऑन इंडिया। GS पेपर 3 में इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनइक्वालिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज करी है, स्पेशली आफ्टर COVID-19। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। वेल्थ इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स का बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल निकल के आते हैं रूसो, ठीक है, एक रूसो करके इंटेलेक्चुअल निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि जब पुअर के पास कुछ नहीं बचता ना खाने को, देन दे विल स्टार्ट टू ईच रिचेस, तो अमीर लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। तो आज के वर्ल्ड में अगर देखें तो इंडिया का जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। ज़्यादातर जो वेल्थ है वो किसके पास आ जाती है, अमंग 1% पीपल, ठीक है। तो वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी पुअर्स के लिए भी, ताकि वो अपनी बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर देखें तो इंडिया की जो इनइक्वालिटी है, ये वेल्थ इनइक्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन ये बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इनइक्वालिटी हुआ करती थी उससे भी ज़्यादा। एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के थ्रू, जिसमें बोला गया कि जो इंडिया की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो और भी वर्स हो चुकी है कॉलोनियल पीरियड से। 1% ओनिंग 40% ऑफ इंडिया वेल्थ एंड टेकिंग अवे 22.6% ऑफ नेशनल इनकम एवरी ईयर। अब ये राइज क्यों कर रही है इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, तो एक तो टॉप 1% डोमिनेंस देखने को मिलेगी, यानी कि जो 1/3 मोर देन 1/3 ऑफ द वेल्थ जनरेशन है वो 1% लोगों के पास आ जाएगा, वही जनरेट कर रहे हैं। बॉटम 50% मार्जिनलाइज्ड, बॉटम 50% ओन ओनली 2% ऑफ द वेल्थ, जो मार्जिनलाइज्ड है पॉवर्टी वाले सेक्शन में है वो सिर्फ 50% ओन करते हैं, मतलब जो वेल्थ है उसका 2%। वेल्थ टैक्स का क्या केस है, एक तो फेलियर हुआ है करंट सिस्टम का, जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है, क्यों, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो सुपर रिच हैं वो इनकम टैक्स को अवॉइड करते हैं थ्रू लो सैलरीज, अपनी सैलरीज को कम दिखाते हैं और अपनी जो वेल्थ है उसको जनरेट करते हैं वाई यूजिंग शेयर्स और प्रॉपर्टी। एक कर्व थ्योरी है, कुजनेट्स कर्व थ्योरी, जिसमें बोला गया है कि जो इनइक्वालिटी है वो राइज कर रही है देन फॉल विद द डेवलपमेंट। तो इनइक्वालिटी इंक्रीज करती हुई मिल रही है हमें डेवलपमेंट के साथ साथ, दिखाया तो जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है पर जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू कजनेट कर्व थ्योरी। इसके बाद पोटेंशियल बेनिफिट, 2% वेल्थ टैक्स जो है वो सुपर रिच के ऊपर होना चाहिए और वो कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, टू फंड द हेल्थ, एजुकेशन एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी,
G20 फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि बिलीनियर्स के ऊपर कुछ तो मिनिमम टैक्स एक्स्ट्रा लगना चाहिए। तो वेल्थ टैक्स होता क्या है? एक तो ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल एसेट, जैसे कि कैश के ऊपर, शेयर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। इंडिया का वेल्थ टैक्स एक्ट भी आता है इन 1957, जिसमें 1% टैक्स लगा दिया जाता था जिनकी अर्निंग 30 लाख रुपीज़ पर ईयर से ज़्यादा है। पर ये एक्ट जो था इसको रिपील कर दिया गया था बाद में इन 2015, बोला गया कि इसके इम्प्लीकेशंस ढंग से नहीं हो रहे। ग्लोबल प्रेजेंस, जो वेल्थ टैक्स है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है कुछ एक कंट्रीज़ में, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या आती हैं वेल्थ टैक्स के फेवर में? एक, रिड्यूस वेल्थ गैप। ये जो वेल्थ टैक्स है ये क्या करेगा? वेल्थ गैप को रिड्यूस करेगा और एक फेयर सोसाइटी बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि पुअर और रिच के बीच का जो गैप है उसको डिक्रीज करेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये जो टैक्स लगाया जाएगा रिचेस के ऊपर, इससे क्या होगा, जो हमारे बाकी के सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, उन सभी में फंडिंग करने में हेल्प करेंगे। मतलब ये जो टैक्स इनसे लिया जाएगा इट विल बी स्पेशली इम्प्लाइड ऑन हेल्थ, एजुकेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब देखो रिचेस ने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, अब टाइम है कि रिचेस भी थोड़ा सा यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज से पुअर्स को दें। उसके अलावा फंड पब्लिक गुड्स, वेल्थ टैक्स रेवेन्यू जो है वो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट करेगा, एज आई सेड हेल्थ और एडुकेशन आ गया जैसे। एनकरेजेज इन्वेस्टमेंट, तो जो वेल्थ टैक्स है इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि होल्डिंग कर दी जाती है, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है अभी काफ़ी रिक्वायर्ड है उसकी होल्डिंग कर दी जाएगी और थोड़ा थोड़ा उसको निकाला जाता है ताकि ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचा जा सके। पर अगर इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी वेल्थ टैक्स की हेल्प से तो होल्डिंग भी डिक्रीज करेगी। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी हैं वेल्थ टैक्स के, जैसे फ्लाइट ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जिनके पास ये इनकम हाई है वो लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्स कम लग रहा है और उन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट, इंडिया ने अबॉलिश कर दिया था अपना वेल्थ टैक्स इन 2015 बहुत सारे लिटिगेशन और कंप्लायंस कॉस्ट की वजह से। एग्जिस्टिंग हाई टैक्सेस, ये बोला जाता है कि जो सुपर रिच हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं एट 42.74% प्लस 2% सरचार्ज भी कर रहे हैं। सरचार्ज का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। हार्म टू कंजप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ टैक्स जो है वो हार्म कर सकते हैं कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट को बाय मिडिल एंड अपर, क्या पता ये खरीदना ही बंद कर दें, क्या पता ये ज़्यादा इम्प्लॉयज़ को हायर करना ही बंद कर दें, तो इसकी वजह से कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कॉरपोरेट टैक्स कट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट टैक्स कट्स हैव फेल्ड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एज सुपर रिच कंटिन्यू टू अवॉइड इनकम टैक्स सैलरीज एंड वेल्थ इन द शेयर एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये अपनी सैलरीज को रिप्रेजेंट करते हैं कम और अपनी वेल्थ को जनरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट शेयर्स और प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेट टैक्स हैं वो ग्रो करे हैं टू अबव प्री पेंडेमिक रेवेन्यू, हैज़ नॉट बीन इफेक्टिवली रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू एड्रेस द इनइक्वालिटी। और ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पेंडेमिक से पहले के साथ अगर कंपेयर करें। अगला आर्टिकल हम देखेंगे GS पेपर पॉइंट ऑफ व्यू 2, इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस न्यूज़ में था। तो ये टाइम आ चुका है कि हमें पर्सन सेंटर्ड सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे रिगार्डिंग द ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, उसकी वजह से होती है। कम्युनिकेबल है, मतलब एयर में भी इसका इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है, खांसी करता है या छींकता है तो उसकी हेल्प से भी ये स्प्रेड कर जाता है। टीबी कंट्रोल इन इंडिया कॉल्स फॉर द पर्सन सेंटर्ड सॉल्यूशन, इसमें अगर बिल्कुल शॉर्टकट में पहले बात करें कि क्या क्या बातें बोली गई हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को लेके, वो बोला गया है कि वर्ल्ड जो ट्यूबरक्यूलोसिस डे है वो आता है आपके 24th of March को, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अब टाइम आ गया है कि हमें पर्सन सेंटर्ड अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि हमें पहले तो उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो एक टाइम पे ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट थे और अब रिकवर कर चुके हैं। तो अब जब पेशेंट से मिला जाता है तो उनके कंसर्न्स देखो कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे जब वो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो पेशेंट्स कहते हैं कि ना सिर्फ ये मेडिकल डिजीज़ थी, ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमने सोसाइटल भी स्टिग्मा फेस करे।
ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, इसके अलावा सोसाइटल हो गया, इमोशनल हो गया, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हमने फेस करी. इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि जब ट्यूबरक्यूलोसिस से कोई पर्सन सफ़र करता है देन दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन. ठीक है, दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन. ऑल दो इंडिया ने एक निक्षय योजना भी चला रखी है. निक्षय योजना के तहत एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है टू द ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स. 500 रुपये दिए जाते हैं पर मंथ. ठीक है, तो पेशेंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं तो अमाउंट तो कम रहेगा ही, क्योंकि ये अमाउंट करोड़ों में चला जाता है. ठीक है, वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है. तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई. ग्लोबली अगर देखें और स्पेशली इन इंडिया, तो जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो इंक्रीज़ ही करता जा रहा है और बहुत सारे लोगों के हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. अब इससे क्या होता है, इकोनॉमिक यानी कि जो वेल्थ है किसी भी कंट्री का वो भी डिक्लाइन करता है, क्योंकि कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्कीम बनानी पड़ेगी ताकि ये ट्यूबरक्यूलोसिस रिड्यूस करा जा सके. बहुत सारे एम्बिशियस गोल्स इंडिया ने भी सेट करे हैं, ग्लोबली भी सेट करे हैं. ग्लोबली अगर देखोगे आप तो एक एजेंडा चलता है, दैट इज़ फाइंड ट्रीट ऑल, और एक कैंपेन चलती है हैशटैग एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज़ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट. ठीक है, इसके अलावा इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इंडिया के भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान. इसके अंदर ही एक निक्षय योजना देखने को मिली जिसके तहत 500 रुपये दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू टू द ट्यूबरक्यूलोसिस अफेक्टेड पर्सन. इसके बाद कैंपेन्स चलाई जाती है जैसे कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा. ठीक है, ताकि अवेयरनेस और ज़्यादा इंक्रीज करी जाए. दो वैक्सीन अभी काम में चल रही हैं, जैसे कि वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एक, और दूसरी वैक्सीन जो है दैट इज़ MIP यानी कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी. ठीक है, ये दोनों वैक्सीन अभी 3 फेज के ट्रायल में है, क्लिनिकल ट्रायल में है. तो इस तरह से बहुत सारी जो हैं वो आप देखोगे प्लान्स जो हैं वो चल रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोबल नेशंस एंड द इंडिया. उसके अलावा एक्सेस टू एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी केयर, जो ये ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर ली जाए कि इनको ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ने इम्पैक्ट करके रखा है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, नॉट ओनली मेडिकल सपोर्ट बट सोसाइटल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल सपोर्ट एज वेल. और स्टिल और अभी देखा गया है कि ये सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल नहीं हैं इन ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स को जिनको ये चीज़ें डायग्नोस हुई हैं. अब इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ट्यूबरक्यूलोसिस. हमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा अर्जेंटली. वन दैट प्लेसेस दोज अफेक्ट्स एंड दियर लाइव एक्सपीरियंस एट द सेंटर ऑफ टैकलिंग द एंशियंट डिजीज. तो जो लोग ऑलरेडी ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र हुए हैं उनको लाओ, उनके साथ डिस्कस करो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी और क्या चीज़ें उनको एनकरेज कर रही थी टू गेट अर्ली क्योर फ्रॉम द ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है, फंडामेंटल रिकॉग्निशन में हमें थोड़ी सी शिफ्ट लानी पड़ेंगी चीज़ें, जैसे कि नीड एंड इंटरेस्ट देखो पेशेंट का, और जो कम्युनिटी इम्पैक्टेड थी ट्यूबरक्यूलोसिस से कैसे उन्होंने अपने हेल्थ का ध्यान रखा उसको देखो. मिलो उन सर्वाइवर से जो ट्यूबरक्यूलोसिस फेस कर रहे थे और उन कम्युनिटी से, और ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं इनको हाईलाइट करने चाहिए कि क्यों पर्सन सेंटर्ड अप्रोच इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्यूबरक्यूलोसिस केयर एंड मैनेजमेंट. लाइव एक्सपीरियंस लाओ, यानी कि जिन इंडिविजुअल्स ने सर्वाइव किया है ट्यूबरक्यूलोसिस को, कैसे इजीली सर्वाइव किया, क्या क्या टफनेस उनको फेस करनी पड़ी, उनसे बात करो और उनकी एक्सपेक्टेशन बताओ कैसे हेल्थ सेक्टर में चीज़ें सुधारी जा सकती हैं. ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि इग्नोर कर दी जाती हैं चीज़ें, बट दिस इज़ हाई टाइम कि डॉक्टर्स और जो हेल्थ एक्सपर्टीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए और ये सर्वेस कंडक्ट करवाने चाहिए. We have often forgotten to see tuberculosis as a human crisis, gender crisis, economic challenge and social and environmental one as well. ठीक है, over the years अगर देखें तो जो strong TB survivor हैं उनका emergence देखने को मिला है, strongly work करा है affected communities के against. इन्होंने ये भी बताया कि government को सुनना चाहिए और अपनी जो health approach है उसको improve करना चाहिए, nutrition support provide करना चाहिए, और फर्दर जो ग्रोइंग फोकस है पेशेंट के ऊपर उनको सपोर्ट फोकस करना चाहिए, स्टिग्मा को एड्रेस करना चाहिए, जेंडर एस्पेक्ट को चेक करना चाहिए,
क्या ये काफ़ी होगा? तो नहीं, और भी चीज़ें जैसे हाई क्वालिटी पर्सन सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये जो गैप है बिटवीन पॉलिसी इंटेंट और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी, पॉलिसी तो चला दी, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान तो चला दिया कि 2017 से स्टार्ट हुआ था ये, 2025 तक हम एलिमिनेट कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस को, पर जब ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं केसेस तो अभी भी मिलियंस में चल रहे हैं, तो 2024 तो आ चुका है, तो मतलब ग्राउंड पे वो पॉलिसीज़ पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, इंडिया को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा अपना टारगेट इंटरवेंशन कि वो एम करें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड एक्सपांड द एक्सेस टू ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, इसका अगर ये टेस्ट अगर पहले कर दिया जाए तो टाइम से डायग्नोसिस हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स की, पर ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो ये टेस्ट ही अवेलेबल नहीं होता इन रूरल एरियाज़। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट दी गई ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक स्टॉकआउट्स के ऊपर जो कि ट्रबलिंग है और अनएक्सेप्टेबल है, और हमें फोकस करना पड़ेगा मोर ह्यूमेन एफर्ट्स के ऊपर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये अब क्रिटिकल है एंड हाई है फॉर दिस टाइम। एफर्ट्स आर ऑल्सो नीडेड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी बेस्ड ट्यूबरकुलोसिस केयर मॉडल्स, एम्पावरिंग फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स टू डिलीवर कॉम्प्रीहेंसिव केयर, जो कि एड्रेस करेंगे ना सिर्फ ट्रीटमेंट बट सोशल इकोनॉमिक एंड मेंटल हेल्थ नीड जो भी प्रोवाइड करनी चाहिए एक पेशेंट को। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवर नैरेटिव, टेल अस द स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एंड मेंटल स्ट्रेस दे गो थ्रू, नॉट टू मेंशन द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो टीबी है वो किसी भी क्लास, रिलीजन, एथनीसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, तो किसी पर्टिकुलर एथनीसिटी से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ये नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ मार्जिनलाइज सोसाइटी में ही हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, अर्बन पुअर, प्रिजनर्स, पीपल लिविंग विद एड्स, एचआईवी। अब हेल्थ क्राइसिस के साथ ये डिज़ीज़ एसोसिएट करी जाती है, बिलियन ऑफ लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं हर साल, क्योंकि हमें फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को क्या थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स, तो जिसके वजह से बहुत सारा जो डेट है, पॉवर्टी है, ये फेस करते हैं पुअर फैमिलीज़। सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ टीबी रिक्वायर अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ करनी पड़ेगी पॉवर्टी, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वेल वेंटिलेशन हाउस होने चाहिए और बेटर एयर क्वालिटी मिलनी चाहिए टू द इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, रिसेंट रिसर्च ने शो करा है कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है वो टीबी इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकती है इन हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ एडल्ट विद माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पहले ही मॉलिक्यूलर लेवल पे ही अगर चेक कर लिया जाए कि ये पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से इम्पैक्टेड तो नहीं, तो वो चीज़ें पहले ही क्योर हो सकती हैं। बाय टैकलिंग द अंडरलाइंग रूट कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया सिग्निफिकेंट स्ट्राइड कर सकता है टुवर्ड एलिमिनेटिंग द डिजीज़, और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग जो है पॉपुलेशन का उसको इम्प्रूव कर सकता है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करो, AI आ चुका है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सर्विलियंस करोगे किस रीजन में कितने ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हैं, जितने जल्दी सर्विलियंस होगा उतने जल्दी आप फॉलोअप ले सकते हो उन पेशेंट से। ठीक है, उसके अलावा ये बताया हुआ है डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को अडॉप्ट करो। उसके बाद बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग बेटर वैक्सीन्स, जैसे VPM और MIP, इनके ऊपर काम चल रहा है अभी, जब ये आ जाएंगी तो इससे भी हमें एलिमिनेशन ऑफ दीज एयरबॉर्न डिजीज काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, द पार्ट टू TB एलिमिनेशन इन इंडिया रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट टू प्रायोरिटाइज पर्सन सेंटर्ड केयर, एड्रेस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एम्ब्रेस इनोवेशन बाय अडॉप्टिंग अ हॉलिस्टिक एंड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, इंडिया कैन ओवरकम दीज बैरियर्स इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस। आई जस्ट होप ये आपको एडिटोरियल क्लियर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सो वी आर डन विद दिस, थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ नाइस डे।